बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय, जिसमें हम सीखेंगे अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने के बारे में, विश्व व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विश्व व्यापार संगठन के बारे में, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। बच्चों क्या आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले तक हमारा भारत विदेशी कंपनियों के लिए बंद था। इससे पहले भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी, लेकिन आज भारत के लोग विश्व के लगभग सभी टॉप कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार से वृद्धि हुई है, जैसे डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न आदि। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ले ला रहे हैं और ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? आइए इस अध्याय में इन सब चीज़ों को जानेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चे माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण रखती है। ये कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे होता है। जैसे औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती हैं। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज द्वारा मैक्सिको और पूर्वी यूरोप पहुँचाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। इस उदाहरण में देखते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में बटी हुई है और विश्व भर में फैली हुई है। चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मेक्सिको को पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक कंपनी को उसकी लागत का लगभग 50-60% बचत करने दे सकती हैं। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हों, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हों और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती है। इन सब चीज़ों के सुनिश्चित हो जाने के बाद कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और फैक्ट्रियों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे
भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। इन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस कारण से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करें। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि जल्द उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे सामान्य रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपादन वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परग फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परग फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड्स काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। आप पहले पढ़े होंगे, भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में। और आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियाँ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है। तो इसे सरल शब्दों में समझें कि विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की आयात से खरीदारों के समझ उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा सकते हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीन खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम और डिज़ाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौने का स्थान चीन खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौने के बची प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समझ कम कीमत पर खिलौने के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौने
निर्माताओं का अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पाद एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता करता है। वैश्वीकरण क्या है? पिछले 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम व स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और द्रव्य एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। पिछले कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं सेवाओं निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करने हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे उन्नति वो मुख्य कारक हैं जिनसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे पिछले 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के लिए परिवहन के लिए कंटेनर। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाज़ों रेलों वायुयानों और ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरस्थ संचार कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरस्थ संचार सुविधाओं टेलीग्राम टेलीफोन मोबाइल फोन और फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है।
आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉयस मेल कर सकते हैं। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है तो क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौने का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजार में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात खुद ब खुद कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया है। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनी उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय पर प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं।
कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। विश्व के सभी देशों के अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। पिछले 20 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः यह लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछले 20 सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों में उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों को और जंग खाद्य पदार्थों और बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल ही के वर्षों में भारत की केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बल्कि बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनी में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लचीलेदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। अनेक भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है।
कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बताया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों में निर्यात की जाती है। बढ़ती प्रतियोगिता, बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों और खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई जिसके कारण अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित है। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिक के जीवन को व्यापार रूप से प्रवाहित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तु की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कई कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती। इसीलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है, मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी कम काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, लेकिन विश्वकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियों असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिक को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का
उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगठित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ देशों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगठन वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला, वैश्वीकरण के विगत दो देशों में द्रुत आवागमन देखा गया है। दूसरा, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तीसरा, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ये रहे उन प्रश्नों के उत्तर। पहला, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। दूसरा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तीसरा, विकसित देशों के लोगों के। तो बच्चों, यह रहा आज का पाठ। आशा करते हैं कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।